नमस्कार। डीडीयूपी को परवाह है, स्वास्थ्य की हम लाए हैं सेहत आपकी। डीडीयूपी के सभी दर्शकों का लाइफ ऑन इन हेल्थ शो सेहत आपकी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, यूं तो हम सभी जानते हैं कि एक कमज़ोर शरीर तमाम बीमारियों का घर बन जाता है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि कमज़ोर शरीर से संबंध कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। आइए इसी विषय को आज हम पूरी तरीके से जानेंगे और इसको हम विषय भी लेकर के आए हैं, यानी विषय है होम्योपैथी में कैसे बढ़ाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग खन्ना जी को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। दर्शकों, हम अपने किसी भी समस्या के लिए आम तौर पर ये जिम्मेदारी ठहराते हैं कि इस वजह से हमें ये परेशानी हो गई, लेकिन कई बार तमाम परेशानियों की जड़ जो होती है वो कमज़ोर इम्यूनिटी भी होती है। इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे और देखेंगे अपना पहला सेगमेंट डॉक्टर के साथ। इम्यूनिटी एक बहुत ही गंभीर विषय है और यह आपके जीवन में और इम्पॉर्टेंट, ये बदलते मौसम और जो इस पृथ्वी का वातावरण बदल रहा है वह होने जा रहा है। सबसे पहला सवाल यही होता है, इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, जिसमें कि जब कोई आपके ऊपर इन्फेक्शन हमला करता है, जिसे आप कह सकते हैं, जब कोई इन्फेक्शन आपको इन्फेक्ट करता है, आप उससे असर करता है, तो आपके जो शरीर के एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो कि बीटा सेल्स, बीटा WBC के बीटा सेल्स आपके शरीर में बना रहे होते हैं, वह एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन से यानी उस एंटीजन से लड़ते हैं और आपको उस इन्फेक्शन को होने से बचाते हैं। अगर वह संक्रमण उस रोग का आप में नहीं होता है तो आप सुरक्षित रहते हैं और आपको शिकायत नहीं होती। यह एक ऐसा, यह जो आपके शरीर का प्रतिरोधक तंत्र है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लाखों रिएक्शंस आपके शरीर में हर वक्त चल रहे होते हैं। जैसे आपका दिल धड़कता है, जैसे आप सांस लेते हैं, तो बॉडी के ऑर्गन जैसे कि हार्ट और फेफड़े आपके काम कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से इम्यूनिटी जो बाहर से रोग आपको संक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके प्रतिरोध में जो आपके शरीर के बीटा सेल्स WBC के और टी सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स दोनों होते हैं, लेकिन बी सेल्स मेनली जो एंटीबॉडी बना रहे हैं, वह उनको प्रतिरोध करके आपको उस इन्फेक्शन से संक्रमित नहीं होने देते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा एंटीबॉडी, जो कि परम सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म एक पार्टिकल होता है आपके बॉडी का, 1 ग्राम से ज़्यादा एंटीबॉडी रोज सिक्रीट होते हैं। आपका शरीर इतना काम कर रहा है उस इम्यूनिटी को बचाने के लिए, जिस विषय में आज हम लोग बात करने आए हैं, यानी कि आपका शरीर उसको बहुत ज़रूरी समझता है। और आज के बदलते वक्त में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ही समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। क्योंकि ऐसे ऐसे वायरस का नाम आप सुन रहे हैं, कोरोना वायरस का अगर मैं नाम लूँ तो कोरोना वायरस का WHO को 3 बार नाम बदलना पड़ गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले इसको 9 कहते थे, 3 कहते थे, अब 19 कहते हैं। तो एक वायरस ही अभी समझ में नहीं आ रहा, तो जो आपका शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वह ही आपको इस वायरस से बचा सकती है और इसी तरह अन्य बीमारियों से बचा सकती है, जुकाम से लेके जानलेवा वायरस तक। दर्शकों, यूँ तो आपको पता चला अभी हमारे सेगमेंट डॉक्टर के साथ में कि इम्यूनिटी क्या होती है, लेकिन आप ये ख़ास तौर पर देखते होंगे आजकल के बदलते हुए वातावरण में कि अगर घर में किसी एक व्यक्ति को भी सर्दी जुकाम या बुखार होता है तो दूसरे व्यक्ति को भी, दूसरे घर के सदस्य को भी वो इन्फेक्शन यानी कि वो संक्रमण हो जाता है। क्यों होता है और किसी एक व्यक्ति को नहीं भी होता है, ऐसा क्या कारण हो सकता है? आइए इन सब के बारे में भली भांति परिचित होते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं आपके खास सेगमेंट हेलो डॉक्टर से। हेलो डॉक्टर में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी को एक बार फिर से अपना विषय बता दें। हमारा विषय है होम्योपैथी से बढ़ाए रोग प्रतिरोधक क्षमता। इस विषय पर हमारे आज आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उमंग खन्ना और आप सभी जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिए बस आपको हमारा फ़ोन नंबर नोट करना होगा। तो नोट करें हमारा फ़ोन नंबर
हमारा फ़ोन नंबर है 0522-4015-988। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756। हमारा अगला नंबर है 0522-228-8698। दर्शकों, आप जब कॉल करें तो बस अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें और विस्तार से अपने प्रश्न को पूछें ज़रूर, लेकिन समय का भी खास ख्याल रखें। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम अपने सभी दर्शकों की ओर से जो जानकारी लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, और साथ में ये भी बताया कि जो कोरोना वायरस की जो एक भयावह स्थिति दूसरे देशों में फैली है और अपने देश में भी बात हो रही है, संक्रमण की बात होती है, तो एक संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, वो क्यों करता है, कैसे करता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट विषय उठाया आपने। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ही होता है जी। जो भी आपका बैक्टीरिया वायरस होता है एक संक्रमित व्यक्ति के बॉडी में, वो जब दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है किसी भी माध्यम से, चाहे सांस के माध्यम से, चाहे टच के माध्यम से, चाहे जिस तरह से भी, तो दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। अब इस साइंस को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर आप बात को समझेंगे तभी आप बात को अपने जीवन में अमल कर पाएंगे। होता क्या है, जब जो भी ये फंजाई या बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, इनका जो सरफेस होता है, अपर लेयर होती है, इस पे एंटीजन होता है। एंटीजन ही वहाँ एक सिस्टम रिकॉग्निशन का होता है जो उस बैक्टीरिया को क्लासिफाई करता है। तो जब यहाँ एंटीजन जो कि उस बैक्टीरिया के वॉल पर है, सरफेस पर है, वहाँ जब दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है, तो वह आपका शरीर जिस व्यक्ति को संक्रमित होने वाला व्यक्ति है वह उसको पहचान लेता है जी। और उसमें जो है, जब आपके बीटा सेल्स जो आपके WBC होते हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, उसमें जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, वो तुरंत जी उस एंटीजन को रोकने के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक कॉलर है आगरा से, मनीषा जी। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी, क्या जानना चाहेंगी? जी मौसम की वजह से खांसी जुकाम हो जाता है, तो किस चीज से कैसा बचा जाए, और जो हाथों में दर्द रहता है। अच्छा, हाँ मनीषा जी, बहुत बढ़िया सवाल उठाया है कि जो मौसम बदलता है इसमें सबसे पहला यही होना है, खांसी जुकाम। खांसी जुकाम से अगर बचना है, क्योंकि यहाँ बचाव की बात है, तो आपको अपना प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखनी पड़ेगी। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखने के लिए आपको अपने शरीर को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा, और अंदर से मजबूत करने का मतलब है आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो कि WBC का पार्ट है, उसको आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसको स्ट्रांग करने के लिए, जहाँ तक खांसी जुकाम की बात है जी, और यहाँ पे विषय होम्योपैथी है, और होम्योपैथी विशेषज्ञ के तौर पे मैं आपको एक दवा बताना चाहूँगा, यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया 200 पावर में, इसको आप 3 दिन तक, दो दो बूंद सुबह, दो बूंद शाम, यूफ्रेसिया 200, दो बूंद सुबह, दो बूंद शाम, यह आप 3 दिन तक अगर लगातार ले लेते हैं, तो जो आपका इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी, आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है वह बढ़ेगी, और जब आपकी एंटीबॉडी बनाने की क्षमता बढ़ेगी, तो जो भी संक्रमण आपके पास आ रहा होगा एंटीजन के रूप में, तो यह एंटीबॉडी उसको काउंटर करेगा, उससे लड़ाई करेगा, उसे परास्त करेगा। और परास्त करने के कई तरीके होते हैं, कभी यह एंटीबॉडी बिल्कुल एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, फट जाता है एंटीजन, और कभी उसको डिसॉल्व कर देता है। तो जिस तरह से भी होगा, लेकिन आपका यह जो इन्फ्लुएंजा का, अगर हम इसको खांसी जुकाम को कहें, तो अगर यह फ्लू जो आपका है वह ख़त्म होगा। और मैं आपको बता दूं, फ्लू बहुत पहले भी कई बार फैला है यूरोप और सब जगह, और होम्योपैथी की दवा बेलेडोना से यह पूरी तरह काउंटर हुआ है, पूरी तरह ठीक हुआ है जी। डॉक्टर साहब, इनका एक छोटा प्रश्न यहाँ पर यह भी था कि हाथ पैरों में भी दर्द रहता है, तो बस उसके लिए जल्दी से कुछ उपाय बताएं। हाँ जी, हाथ पैरों में अगर आपके दर्द रहता है, तो इसकी बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में, देखिए यही खूबसूरती है, बेलेडोना है। बेलेडोना ही आपको फ्लू से बचाएगी एलियम सीपा के साथ, और बेलेडोना ही आपके हाथ पाँव को दर्द खत्म करेगी, क्योंकि यह भी एक रिएक्शन है जी जी। इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, जो आप अटेन करते हैं। यह फ्रंट होती है, यह जो है फ्रंट लाइन होती है, जो कि एक छोटे से बॉन्ड बच्चे में भी होती है। अगर इम्यूनिटी को आप समझे, तो 4 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी,
इनेट इम्यूनिटी और जो आप बच्चों से माँ से बच्चों में पास होती है जी जी पैसिव इम्यूनिटी, तो यह एक्टिव इम्यूनिटी है या पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इसको जो आपके शरीर में दर्द हो रहा है इसको आप बीमारी ना समझे, या शरीर में जो सूजन उत्पन्न हुई है या प्रतिरोध कर रही है आप में आए इन्फेक्शन का, तो फटाफट अपने इन्फेक्शन को आप सही करें दवा से, आपका यह दर्द खुद ही खत्म हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, यूं तो तमाम रोग होते हैं जो हमारी बैड इम्यूनिटी या लो इम्यूनिटी की वजह से होती है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें अपने शरीर की जो एक मैकेनिज्म होती है, तो कुछ ऐसी जो संकेत है हमारे शरीर में वो भी उत्पन्न होता है, जैसे कि आपने थोड़ा हिंट यहाँ पर दिया कि हमारे शरीर में खुद ब खुद शरीर को लड़ने की ताकत। बिल्कुल मैडम। डॉक्टर साहब, हम अपने प्रश्न को यहीं पर विराम देते हैं और एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, नमस्कार जी, मैं नचिकेता बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। जी, मेरी माँ लगभग 40 से 50 वर्ष के उम्र के बीच में है और उन्हें माइग्रेन की समस्या है। जी, वैसे विषय से अलग है लेकिन डॉक्टर साहब इनका उपचार समस्या है तो आपका समाधान अवश्य दूरदर्शन पर होगा। माइग्रेन अगर है तो पहले तो मैं निश्चित दवा आपको बता दूं, इसकी दवा है स्पाइजिलिया। स्पाइजिलिया 30 पावर में और अनोसमोडियम 30 पावर में दो दो बूंद आप दिन में 3 बार 1 महीने तक मरीज को दे दें। मैं समझता हूँ आपकी माता जी का माइग्रेन खत्म हो जाएगा और माइग्रेन का होम्योपैथी में ही बहुत अच्छा इलाज है। और माइग्रेन बढ़ने के 3 कारण होते हैं, आप देख लें। पहला कारण होता है टेंशन, दूसरा कारण होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और तीसरा कारण होता है स्मोकिंग। तो माताजी स्मोकिंग नहीं करती होंगी, माताजी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शायद नहीं लेती होंगी, लेकिन माताजी टेंशन जरूर लेती होंगी। तो आप उनका टेंशन कम करते और ये होम्योपैथिक दवा करते वो ठीक हो जाएंगी और उनकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें। और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने का यहाँ मैं दर्शकों को बताऊंगा सबसे अच्छे समाधानों में से एक है सूरज की रोशनी। जी, अगर आप 15 मिनट सूरज की रोशनी ले लेते हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आप तकलीफों से बचेंगे। जी, ये बहुत ही अच्छा और सस्ता और सुलभ, सस्ता क्या, ये निःशुल्क उपाय है। मैं यहाँ और बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब एक कॉलर भी है, हम इनके भी प्रश्न को लेते हैं। हेलो। हाँ, ये सांस लेने में कठिनाई होती है, ये जुकाम। जी, आपको जुकाम है इस वक्त या हमेशा बना रहता है? आपकी सांस फूलती है? चालू है ना इस समय। आपकी सांस फूलती है? हाँ, सांस फूलती है हल्की हल्की। ठीक है, इनको जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इतनी बात से, इनको दो बातें हैं। एक तो इनको हल्का सा ब्रोंकाइटिस है और दूसरा इनको साइनुसाइटिस हो सकता है जिसमें कि इनको नसला बना रहता है। तो यह दोनों चीज़ें, दोनों बीमारियां प्रतिरोधक क्षमता पे सीधी निर्भर हैं। अगर इनकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती तो ये ना होता। तो सबसे पहली बात तो यही है, इनको अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा कि इन बीमारियों से बचे। अब जहाँ तक बात बीमारी की है, तो जो इनकी सांस फूलती है, अगर आप हफ्ते में एक दवा नैट्रम सल्फ 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लेते हैं तो आपकी सांस फूलना निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपके बलगम भी आ रहा है तो आप काली बाइक्रोम 30 और स्पॉन्जिया 30 ले लें तो आपके सीने का कसाव खत्म हो जाएगा। और जो नज़ला आपने बताया लगातार बना रहता है वह भी इस काली बाइक्रोम दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप यह 3 दवा लें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें। यहाँ पर मैं आपको प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की भी एक दवा बताना चाहूँगा और सबसे गोल्डन रेमेडी होम्योपैथी की बताना चाहूँगा, वह है इचिनेशिया। इचिनेशिया वो दवा है जो आप अपने 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग को दे सकते हैं इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट माना गया है, बहुत अच्छा इफेक्ट। और दूसरा जो आपने सांस का बताया, सांस फूलने का, तो उसमें एक और यहाँ दवा बताना चाहूंगा, आर्सेनिक एल्बम। जी जी, यह आर्सेनिक एल्बम वो दवा है जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अभी कोरोना वायरस में प्रसारित करी थी। जी, यह इम्यूनिटी की क्षमता को, इम्पोर्टेंस को भी बताता है जी। और उसमें होम्योपैथी के रोल को स्थापित करता है जी, जी। उसमें कहा गया कि वो कोरोना वायरस का आज तक इलाज नहीं है, लेकिन ना हो इसके लिए आप जो है वह आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। इसी तरह आप सांस फूलने के लिए भी और जनरल
जो भी फूड खान पान के द्वारा अगर आपकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हुई है तो उसकी आर्सेनिक एल्बम बहुत दवा है जी, उस रिलेशन में आप इसे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कश्मीर की वादी से यानी जम्मू एंड कश्मीर से एक हमारे कॉलर हैं, उन्होंने भी कुछ जानना चाहा है। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, माय नेम इज गुलजार, आई एम फ्रॉम कश्मीर। ओके स्वागत है आपका। थैंक यू जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहूंगा कि गले में इन्फेक्शन और मैग्नम पैनिस आता है, फारिंजाइटिस और थायराइड भी है जी, तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से होम्योपैथी में कोई कारगर दवाई। निश्चित रूप से भाई साहब इसकी बहुत कारगर दवा है, मैं आपको दो बातें बताऊंगा, इसका तरीका भी खत्म करने का बताऊंगा और कारगर दवा भी बताऊंगा। पहली बात है तरीका। देखिए एक मैं आज आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि कोई भी आपके शरीर में वायरस का इन्फेक्शन हो, देखिए बैक्टीरिया की दवाएं तो बहुत हैं लेकिन वायरस की दवाएं बहुत कम है, क्योंकि वायरस रूप को चेंज करता है जी, बिल्कुल अपने रूप को बदलता रहता है। जैसा हमने बताया WHO को कोरोना वायरस का नाम 3 बार उसको बदलना पड़ा, 3 बार उसके आगे कुछ सफिक्स लगाने पड़े, शायद दवाओं का प्रभाव कम हो जाता है इस वजह से भी। हाँ वो अपना शेप बदलता है, वायरस का अपना कोई आकार नहीं होता, कोई अस्तित्व, वो चेंज होता रहता है। तो अगर वायरस का इन्फेक्शन है तो आप स्टीम का इनहेलेशन करें। अगर आप भाप लेते हैं तो 212 डिग्री पे सारे वायरस खत्म हो जाते हैं, एक तथ्य है। तो अगर आप भाप लेते हैं तो आपका जो गले में आपने खराश बताई वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। दूसरा क्या बताया था मैडम जी? इनको थायराइड की प्रॉब्लम भी है। थायराइड की भाई साहब बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है, कैल्केरिया कार्बोनिकम और थायरोडिनम। आप कैल्केरिया कार्ब 30 और थायरोडिनम 6x में, कैल्केरिया कार्ब 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार और थायरोडिनम 6x जो कि बायोकेमिक दवा है, इसकी एक एक टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दो दवाएं आपको निश्चित रूप से आराम देंगी। और थायराइड में पानी पीने से भी थायराइड ठीक होता है, मतलब एक गोल्डन लाइन होती है थायराइड में, वाटर नॉर्मल थायराइड। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पानी पीने को बोलेगा। तो आप यह दो काम कर लें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप स्टीम का इनहेलेशन लें, यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और आपके गले की खराश को भी खत्म करेगा जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने बहुत सारी जो बातें हैं वो जानी हैं, लेकिन ये ज़रूरी बात ये भी जानना चाहेंगे कि जो जांच कराने का क्या कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम है, सही है, या हमें उसके लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको जान करके हमें पता चल सकता है? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। अपने बारे में मालूम होगा तो हम उसका इलाज कर पाएंगे। प्रतिरोधक क्षमता को पता करने का सबसे अच्छा मैं आपको पहले एक सस्ता इलाज तरीका बताऊंगा फिर एक महंगा बताऊंगा जी। सस्ता तरीका जो है वह सबसे सस्ता तरीका है, आप एक WBC वाइट ब्लड सेल्स सफेद रक्त कोशिकाओं की जांच करा लें, जो कि आप जो ब्लड की सबसे सस्ती जनरल जांच होती है उसमें WBC आ जाता है। सरकार ने हर अस्पताल हर CSC हर PSC पे सुविधा कर रखी है। आप 5 रुपए 1 रुपए के पर्चे पर जाएं और वह ब्लड टेस्ट करा लें। अब जो WBC नॉर्मल होता है साथियों वो होता है 5,000 से 11,000, तो अगर आपका 4,000 के नीचे WBC निकले जिसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं जी, तो आप समझ लीजिए आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है जी। जैसे आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट देखें जो रेडियोथेरेपी करा रहा हो, कीमोथेरेपी करा रहा हो कैंसर के लिए, तो आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि उसका जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता 4,000 के नीचे आपको WBC मिलेंगे। तो आप WBC चेक करा लें। ओके डॉक्टर साहब इसके बारे में हम उपाय जरूर पूछेंगे, लेकिन बनारस से हमारे कॉलर हैं, इनकी कॉल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। हाँ हाँ जी बताइए क्या जानना चाहेंगी? मतलब एक मेरा भाई है जो हमेशा हर एक नशा करता है। अच्छा जैसे शराब हुआ, भांग का गोला जी जी, पान पुकार हर एक चीज, सारे नशे उसके छूट जाएंगे। होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है, मैं सारे नशे की अलग अलग आपको दवा बता देता हूँ, आप कलम पेंसिल तुरंत लें। पहली बात कर लेते हैं शराब की। शराब एक सामाजिक बुराई है, एक बहुत गलत चीज है जो आपको पैसे की भी हानि करती है, आपके सामाजिक स्टेटस को भी करती है। इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्यूरकस र्यूबर। क्यूरकस र्यूबर का मदर टिंचर आप 20 ड्रॉप्स 2 बार 20 बूंद 2 बार उनको आप आधे कप पानी में दे दें, आप देखेंगे शराब से उनकी अनिच्छा पैदा हो जाएगी। दूसरी आ गई मसाला। मसाला यानी तंबाकू। अगर किसी को तंबाकू का एडिक्शन है, क्योंकि तंबाकू कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, भारत सरकार ने हर मसाले पे उस पर अनिवार्य कर दिया, हड्डी बनाना, खोपड़ी बनाना, स्कल बनाना, ताकि लोग डरे। तो अगर आप तंबाकू का यह सेवन करते तो उसकी होम्योपैथी में दवा डेफने इंडिका,
डेफिने इंडिका 1x पावर में आप इनको या मदर टीचर 20 बूंद सुबह शाम दे दें, उससे इनका जो है तंबाकू की लत छूट जाएगी। तीसरी चीज़ आती भांग, बहुत लोग भांग का सेवन करते, होली का टाइम आ रहा है तो स्टेटस सिंबल मान लेते ठंडाई पीना जी, जी। तो भांग का नशा उतारने और नशा न करने की आदत के लिए होम्योपैथी में दवाएं ओपियम, ओपियम 32 बूंद आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब मैडम यही खूबसूरती देखिए, ये भी एक तरह की इम्यूनिटी है जो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा भांग का नशा उतारने या भांग का नशा करने का मन ही ना करे जी, जी। उसकी दवा ओपियम है और ओपियम भांग से ही बनती है, तो जो है यही इम्यूनिटी है। होम्योपैथिक दवा बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर रही है, यही इनकी एडवांटेज है कि यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रही है और आपके मर्ज को ठीक कर रही है। जी डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न था कि आपने बताया कि अगर WBC का जो रेट है अगर वो कम होता है 4000 से नीचे आता है तो हम उस वक्त क्या उपाय करना चाहेंगे, क्या उपाय करना चाहिए? उस समय अगर आपका WBC कम है तो आप इस्नेशिया एक दवा ले लें, होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। आप इस्नेशिया का 1x पावर एक एक टैबलेट दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे आपका WBC बढ़ने लगेगा। साथ में जो मर्ज है आपको, जो दिक्कत है, जैसे मैं 2-3 जो कॉमन है, एक अभी बात हुई कि अगर नज़ला बना रहता है तो बेलेडोना है। बेलेडोना वह दवा है जो डॉक्टर हेनीमैन साहब ने स्कारलेट फीवर तक में चेक करी थी और उस समय की सरकार को मानना पड़ा था इसके रोल जी। दूसरी बात, अगर आपको कोई सांस से रिलेटेड सिम्टम है या फूड पॉइजनिंग है तो उसकी दवा आर्सेनिक एल्बम है, जैसा भारत सरकार ने भी आयुष मंत्रालय ने कोरोना वायरस के विषय में एडवाइजरी जारी करी जी। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ गोरखपुर से एक कॉलर है। हेलो 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 जी नमस्कार, क्या जानना चाहेंगे आप? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, बताइए। डॉक्टर साहब जी, हमारे पैर की नसें। हेलो डॉक्टर। जी जी भाई साहब, जी भाई साहब, हमारे पैर की नसें दब रही हैं और दर्द करती है और एक कंधे पर जो गले की नसें हैं ये दोनों दर्द करती हैं, कोई दवा बताएं हमें? पैर की नसें दिखती भी है भाई साहब? हाँ, कड़ा हो जाती, टाइट हो जाती है। हाँ, इनमें देखिए दो बातें भाई साहब, आप वेरिकोज वेन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वेरिकोज वेन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है हेबेमिलिस और मिलीफोलियम, हेबेमिलिस 30 और मिलीफोलियम 30, यह दो दवाएं आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपके पैर में हल्कापन आ जाएगा। दूसरी जो एक संभावना हो सकती है आपकी बात से, आपके पैर की नसें टाइट होती है, उनमें ऐठन मरोड़ होती है, ये उन लोगों में होती है जो पानी कम पीते हैं, तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी पीना शुरू कर दें। और इसकी दवा है क्यूप्रमेट, अगर आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं पैर में तो दवा है क्यूप्रमेट। और जो गले की नसों का तनाव है वो मैं समझता हूँ आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है कहीं ना कहीं, और इसकी होम्योपैथी में दवा है लेक्नेंथस और सिमिसिफ्यूगा। आप लेक्नेंथस 30 और सिमिसिफ्यूगा 200 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, इससे आपकी गलों की नसें को रिलीफ मिल जाएगा। और लिहाजा मैं आपकी बात को थोड़ा ठीक करते हुए, आपके गले की मसल्स को रिलीफ मिल जाएगा, आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगी, उसके चक्कर आपको नहीं आएंगे जी। और पैर के विषय में हमने आपको बता दिया जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आमतौर पर किसी को कोई भी समस्या होती है, कहीं पर भी दर्द हुआ तुरंत ही पेन किलर लोगों ने उसका सेवन कर लिया, या फिर बहुत सी एंटीबायोटिक होती है उनका सेवन भी करते हैं, तो ऐसे दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने से भी क्या हमारी इम्यूनिटी वीक होती है? निश्चित रूप से आप इम्यूनिटी वीक होती है, जैसा मैंने बताया कि आपका शरीर इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन है कि यह हर समय लाखों रिएक्शन आपके शरीर में चल रहे होते हैं, और आप एक दवा खाते, देखिए मैं दवा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी हमें दर्द होगा तो हम भी एक पेन किलर कभी खा लेंगे जब हमें बहुत दर्द होगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन है यह जो है डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसको अगर आप शरीर में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो एक चीज़ तो सही होगी दूसरी चीज़ खड़ी होगी, जो हम लोग कहते हैं एक दवा खाई तो ये सही हो गया, दूसरी चीज़ खड़ी हो गई, वो इसीलिए हो गई क्योंकि आपने शरीर की एक क्षमता पे तो एक्शन लिया और उससे जो आपका जनरलाइज पूरे शरीर में जो एक अंदर कौतूहल चल रहा है, एक अंदर लड़ाई चल रही है, एक अंदर का इकोसिस्टम है, वो पूरा आपने डिस्टर्ब कर दिया जी जी, तो आपको परेशान होना पड़ेगा जी। डॉक्टर साहब, ये भी बात हो गई, हमारे खान पान से जुड़ी हुई कौन सी बात है इसके बारे में भी बताइए कि वो हमारी इम्यूनिटी को कैसे पावरफुल बनाए। निश्चित रूप से खान पान बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए आप केवल 3 चीज़ें बाहरी ले रहे हैं, 5 तत्व तो हम लोग कहते हैं, 5 चीज़ें कह लीजिए, आप सूरज की रोशनी ले रहे हैं और सूरज की रोशनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सनबेदिंग जिसको अंग्रेजी में कहने लगे हैं कि आप अपने शरीर पे सन ले रहे हैं,
खाने का जहाँ तक बात आई तो विटामिन सी आपको चाहिए। अगर आपको शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो ऐसे तो सारे विटामिन ए डी सब काम के विटामिन हैं, लेकिन जो विटामिन ज्यादा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है वह है विटामिन सी। तो आपको विटामिन सी कंपाउंड यानी सिट्रस फ्रूट्स यानी जो खट्टे फल होते हैं, खट्टी चीजें होती हैं, चीजें मतलब अचार नहीं, जी जी मौसमी फल जो हमारे मौसमी फल जो होते हैं संतरा मौसमी इस तरह का आंवला नींबू यह सब आपको खाने में अधिक उपयोग करना चाहिए, इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। जी और इसी के साथ ही अब समय खत्म हो रहा है हेलो डॉक्टर का। हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें कॉल किया। और साथ ही साथ दर्शकों अब हम अपने उस खास यानी एक्सक्लूसिव टिप्स की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि हेल्थ टिप्स की ओर आपको ले चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं खास जानकारी। अच्छा समाधान प्रिवेंशन है और आज का जो यह पूरा कार्यक्रम है दर्शकों यह प्रिवेंशन पे आधारित है, बचाव पे आधारित है। आप अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं, मैं आपको अचूक नुस्खे बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट नुस्खा है धूप, क्योंकि वो मानव अब तक प्रदूषित नहीं कर पाया। हवा प्रदूषित कर दी है, पानी प्रदूषित कर दिया, हम ही लोगों ने प्रदूषित करा है, लेकिन धूप को कोई सन को प्रदूषित नहीं कर पाया। सन आपके बॉडी को एनर्जाइज करता है, आपके बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी को मजबूती देता है, आपके सेल्स को स्ट्रांग करके और शरीर के अंदर की प्रतिक्रियाओं को नॉर्मल करके। दूसरा जो आता है वह है खान पान। खान पान आप जो खाते हैं वही आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें, आपको लाभ होगा। तीसरी बात आती है दिनचर्या, जो कुदरत की टोन है आप उसमें चलें। कुदरत ने रात सोने के लिए बनाई है, दिन जागने के लिए बनाया है। सुबह 5 बजे उठें और भारत सरकार इस वक्त योग के लिए उसने जो पहल करी है, योग जो कि एक बहुत वैदिक साइंस है और इसको वेद से भी ना जोड़ें, धर्म से ना जोड़ें, योग करना बहुत आवश्यक है। प्राणायाम कपाल भाति अनुलोम विलोम भस्त्रिका यह सब आप सुबह सुबह 5 बजे उठ के करें, आपको लाभ होगा। चौथी बात है ताज़ी हवा। दिन की हवा मानव ने प्रदूषित कर दी है, लेकिन सुबह की हवा रिलेटिवली अच्छी होती है, तो आप गहरी सांसी लें, अपने सारे शरीर को पोषण करें, आपको लाभ होगा। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही संक्षेप में भी आपने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण जो हम सबको बताया कि कैसे हम स्वस्थ रहें और अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे इजाज़त ले लें और साथ ही साथ कहेंगे कि यदि आपने कुछ भी छूट कोई भी विषय या कोई भी दवाओं के बारे में जानकारी आपसे छूट गई है तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी कार्यक्रम को देख सकते हैं। और अब चलते चलते हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए आज के लिए अनुमति। मिलेंगे हम अगले सप्ताह और आप सभी से कहेंगे कि DDUP को परवाह है स्वास्थ्य की हम लाएंगे।